हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का अगर ट्रांसलेशन करें तो उसका लिटरल मीनिंग यही होगा कि इंसान और वाइल्ड लाइफ के आमने सामने आने से और उनमें टकराव होने से पैदा होने वाली ऐसी समस्याएं जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इंसान और जानवर दोनों पर। आए दिन हम ऐसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में सुनते ही रहते हैं, और बीच में तो एक सबसे हाईलाइटेड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, जिसमें आसाम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में कुछ 100 हिमालयन ग्रिफॉन्स की मौत हो गई थी ड्यू टू सम पॉइजनिंग। ये जो सारे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं और क्या इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में थ्रू अंडरस्टैंडिंग द टाइगर अटैक्स इन इंडिया। ऑन एन एवरेज 1800 पीपल आर किल्ड पर ईयर ड्यू टू टाइगर अटैक्स इन इंडिया, नेपाल एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो चलो एक एक करके सारे रीजंस एनालाइज करते हैं कि टाइगर्स आखिर अटैक करते क्यों हैं। सबसे पहला और जेन्युइन रीजन, देखो टाइगर हो या फिर कोई भी वाइल्ड एनिमल हो, वो तभी अटैक करता है जब उसको खतरा महसूस होता है। अपनी रक्षा करने के लिए कोई भी एनिमल हो, अपने सेल्फ डिफेंस में वो अटैक करेगा ही करेगा। कुछ कुछ केसेस में टाइगर्स अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए भी अटैक्स करते हैं, और फॉरेस्ट एरिया के पेरीफेरी में जो भी विलेजेस हो वहाँ पर ऐसे सरकमस्टांसेस बहुत कॉमन है। ह्यूमन पॉपुलेशन दिन भर दिन बढ़ती जा रही है और हम लोग जाने या अनजाने वाइल्ड लाइफ के नेचुरल हैबिटेट्स में घुसकर अपने घर बना रहे हैं। ऐसे में कोई भी वाइल्ड एनिमल हो, उसको अपने हिस्से की टेरिटरी और हैबिटेट ह्यूमंस के साथ शेयर करना पड़ता है, और जब जब इंसान का वाइल्ड लाइफ से और वाइल्ड लाइफ का इंसान से सामना होता है, तब तब कोई ना कोई ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट तो होती ही है। सो इट इज़ वेरी कॉमन एंड अंडरस्टूड कि जब कोई टाइगर ज़्यादा इरिटेट हो जाता है ह्यूमन मूवमेंट से, तो वो अपनी टेरिटरी से ह्यूमन डिस्टर्बेंस कम करने के लिए भी अटैक करता है। नेक्स्ट रीजन फॉर अटैकिंग अ ह्यूमन कैन बी सम सीरियस हेल्थ इश्यू या फिर कोई डिसेबिलिटी। टाइगर की एज होने पर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वो पहले जैसे अपने शिकार को चेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो कोई आसान रास्ता ढूंढते हैं अपना पेट भरने के लिए। एंड ऑब्वियसली एक इंसान को चेज करना काफ़ी इजी होता है। एंड इन केस ऑफ अ टाइग्रेस इट वाज फाउंड दैट शी ओनली एंड ओनली अटैक्ट अ ह्यूमन व्हेन शी हैड अ टूथ डिसेबिलिटी, यानी कि उसने तभी एक इंसान को अपना शिकार बनाया जब उसके दांत टूट गए थे। टाइगर के मुंह में जो कैनाइन टीथ होते हैं, वो स्पेशली किसी शिकार के बॉडी में पंक्चर करके उसको मारने का काम करते हैं, और अगर यही दांत टूटे हुए हो तो ये एक मजबूरी हो सकती है किसी भी टाइगर के लिए, एंड हैंस इट विल फाइंड आउट सम इजियर प्रे टू फीड ऑन। नेक्स्ट रीजन कुड बी द सिक्योरिटी ऑफ द यंगर वंस। किसी भी टाइग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो अपने कब्स को सारी चुनौतियों से लड़कर कैसे बड़ा कर पाती है। बिकॉज हियर इन वाइल्ड लाइफ वीकर कब्स आर ऑफन किल्ड बाय द अदर वाइल्ड एनिमल्स, और यहाँ तक कि अगर कोई दूसरा मेल टाइगर भी उन बच्चों के सामने आ जाता है और अगर वो बच्चे उसके नहीं है तो वो उन बच्चों को भी आसानी से मार देगा। So, this can be one of the reason for mistaking identity and killing a human for the defense of their cubs. ये सारे reasons के अलावा अगर किसी tiger का किसी और दूसरे wild animal के साथ कोई टकराव हुआ हो और उस टकराव की वजह से अगर उसको कोई चोट लगी हो या फिर कोई घाव लगा हो, फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई टाइगर एक पॉर्क्यूपाइन को मारने की कोशिश करेगा, तो वो सीवियरली इंजर हो जाएगा पॉर्क्यूपाइन के कांटों से, और फिर डर की वजह से वो कभी भी किसी दूसरे वाइल्ड एनिमल को अपना शिकार नहीं बनाएगा और एक इंसान को ईजिली अपना टारगेट बना लेगा। सो What can be the solution for not becoming a target for a tiger or any other wild animal?
फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके विलेज में या फिर आसपास के एरिया में कोई टाइगर आ जाता है या फिर कोई और वाइल्ड एनिमल भी आ जाता है, तो द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज इन्फॉर्म द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। जितना जल्दी हो सके फॉरेस्ट ऑफिसर्स को कॉन्टैक्ट करें और उनको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करें, ताकि वो जल्दी से जल्दी आकर उस एनिमल को रेस्क्यू कर सके। और जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो जाता, ट्राई टू बी एट योर होम। ज्यादा भीड़ जमा करने से और हो हा मचा देने से वो टाइगर पैनिक हो सकता है और ऐसे में वो किसी के भी ऊपर अटैक कर सकता है। और अगर आप किसी टाइगर टेरिटरी के नज़दीक रहते हैं, किसी नेशनल पार्क के आसपास, देन ट्राई योर वेरी बेस्ट कि आप कभी भी टाइगर की टेरिटरी में एंटर ना करें। अपने भेड़ बकरी को चराने के लिए वहीं पर ले जाए जहां पर आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने परमिशन दे रखी है। कुछ लोग ये भी रेकमेंड करते हैं कि टाइगर की टेरिटरी के आसपास कभी भी साइकिल चलाना, दौड़ना या फिर ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी टाइगर को चेज करने के लिए उकसाया जा सके। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई शिकार भाग रहा है या दौड़ रहा है। सो प्लीज़ अवॉइड रनिंग एंड राइडिंग बाईसाइकल्स, ताकि वो आपको शिकार ना समझ बैठे और आप पर अटैक ना करें। बी केयरफुल, बी अलर्ट एंड टुगेदर लेट्स मेक अ बेटर वर्ल्ड टू कोएग्जिस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड स्प्रेड अवेयरनेस एंड अलर्टनेस। वी विल बी बैक अगेन विथ मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।